on his track, fam. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द पेन मोटो व्लॉग्स। सो गाइज, फाइनली आज आए हैं TVS के शोरूम और अपाचे RR 310 का व्लॉग करना था। इंस्टाग्राम पे पोल डाला था और इसका FZ Fi वर्जन 3 का, तो 78% पोल RR 310 का आया। सो लेट्स बिगिन विद द व्लॉग। सो गाइज, फाइनली अगर कीज से स्टार्ट करते हैं, कीज़ पे ध्यान दें तो TVS कुछ इस तरीके की कीज़ देती हैं RR 310 की, और कुछ इस तरीके की कीज़ हैं और लिटरली अच्छी लगती हैं। और इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और मुझे बहुत अच्छी लगी, और बल्किनेस है, काफ़ी बल्की है भाई। सो गाइस, एज कमिंग फ्रॉम द हेड, यहाँ पे आपको वाइज़र मिलता है और ये इंडिया का फ्लैग रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आपको बाई LEDs मिलती हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और लिटरली ये बहुत ही कूल लगते हैं जब जलते हैं। और यहाँ पे आपको TVS का लोगो मिलेगा। और गाइस, अगर फाइनली हम फ्रंट फोक्स की बात करते हैं, अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं और सस्पेंशन बहुत ही अच्छा होता है अपसाइड डाउन फोक्स का। और अगर आप एलॉयज पे देखें तो मैट ब्लैक कलर की फिनिश मिलती है, और TVS रेसिंग का आपको टैगलाइन इस तरीके से मिलेगी, और यहाँ पर आपको ABS का टैग मिल जाता है। सो लेट्स कमिंग टू द फ्रंट ब्रेक्स। सो गाइस, एज यू ऑल कैन सी ओवर हियर, आपको यहाँ पे 300mm की फ्रंट डिस्क मिलती है, और बाइबर है, बाइब्रेम्बो डिस्क है, डुअल चैनल ABS है, तो लिटरली ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है। और पीछे आपको मिलती है 240mm की रियर डिस्क, तो इसके अकॉर्डिंग, बाइक के अकॉर्डिंग बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग है। सो गाइस, फाइनली अगर हम यहाँ टैंक पे ध्यान दें तो बहुत ही बल्कि है। आप पूरी बाइक को आप देख लो, कहीं से भी आपके नियरेस्ट शोरूम में जाके देखो, बाइक बहुत ही बल्कि है। और यहाँ पे आपको RR 310 का इस तरह लोगो मिलता है, और ये हो गई आपकी टैंक लिड, और लिटरली बहुत ही प्यारी लगती है। और ये 12 लीटर का टैंक है, और RI के अकॉर्डिंग 31 किलोमीटर पर लीटर का ये एवरेज दे सकती है। अगर गाइस यहाँ सीट्स की बात करें तो सीट्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, और स्टिफनेस नहीं है, बिल्कुल आपको नहीं फील होगी। और यहाँ पे भी आपको स्टेप अप सीट्स हैं कंप्लीट, और स्प्लिट सीट्स हैं पूरी अलग हैं, और यहाँ से सीट्स ओपन होती हैं, ये रियर वाली, और ये भी अच्छी है। ग्रैब रेल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिलेगा इतना सा पकड़ने के लिए। सो गाइस, एज यू ऑल कैन सी हियर, यहाँ पे आप टेल पे ध्यान दें तो यहाँ पे आपको LEDs मिलती हैं, और ये कुछ ओमेगा शेप्ड लाइट्स हैं, बहुत प्यारी लगती हैं जब रात में जलती हैं। तो एज यू ऑल कैन सी, ये ओमेगा शेप्ड में है ऐसे, और ये हो गया आपका टेल, और ये नंबर प्लेट स्लॉट्स हो गई, और ये भी LEDs ही यूज़ की गई हैं। ओवरऑल पूरी बाइक में LED ही यूज़ करी गई है, कहीं भी आपको हैलोजन बल्ब या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सो गाइस, बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की, तो कुछ ऐसा व्यू है इंस्ट्रूमेंटल कंसोल का ऑन होने के बाद। फ्यूल इंडिकेटर हो गया, न्यूट्रल हो गया, और हाई बीम लाइट हो गई, ABS की लाइट ऑन है, जब बाइक स्टार्ट होगी तब वो ऑफ हो जाएगी, एंड देन रेंज हो गया, और RPM हो गया ये अलग, और गियर शिफ्ट हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स वगैरह हो गए, और इंजन कूलिंग और हीटिंग का इग्निशन हो गया, पेट्रोल का इग्निशन हो गया, टाइम हो गया, ट्रिप मीटर्स हो गए, तो लिटरली बहुत ही प्यारा लगता है। ये हो गई आपकी RPM लाइट, और ये दो बटन है, यहाँ से आप मोड्स और हर चीज़ सेट कर सकते हो ओवर हियर। और ये इग्निशन का हो गया, और सर्विस रिमाइंडर वगैरह भी सब यहीं पर देता है। ये लो बीम हाई बीम इंडिकेटर्स, हॉर्न, और ये हो गई आपकी पास लाइट, क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं, और ये क्लिप ऑन हैंडल बार्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। और गाड़ी का सिटिंग पोस्चर नेचुरल नहीं है, लीन डाउन होना पड़ता है क्योंकि क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं, और इतना डिफर आता है आप देख सकते हैं टैंक से लीन डाउन होने में इतना। और ये हो गई आपकी इंजन किल स्विच, और ये हो गया आपका सेल्फ। सो गाइस, फाइनली ओवर हियर, यहाँ पे आपको 312cc का इंजन मिलता है, नाम के लिए TVS अपाचे RR 310 कहलाती है, बट 312cc का इंजन है, और इट कैन गिव अप टू 34 PS ऑफ पावर एट 9700 RPM एंड अ पीक टॉर्क ऑफ 28.7 Nm एट 7700 RPM। सो लिटरली इतना काफ़ी है बाइक के अकॉर्डिंग, बहुत ही अच्छा है, और देख सकते हैं आप लुक पे ध्यान दें तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है देखने में ये। और इसकी
और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस पे फ्रेम पे आपको रेस स्पेक्स का स्टिकरिंग मिलती है, इंजन पे आपको TVS रेसिंग मिलेगा। और अगर आप बगल में ध्यान दें तो कुछ ऐसा लुक है, RR 310 की टैगलाइन मिलती है और काफ़ी बल्की लुक है बाइक का। यहाँ पे आपको अपाचे लिखा मिलेगा इस तरीके से। अगर एग्जॉस्ट पे ध्यान दें तो ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में। और चलिए इसका एग्जॉस्ट नोट ले लेते हैं फटाफट। फाइनली टर्न टू एग्जॉस्ट नोट, प्लीज यूज ईयरफोन्स। सो गाइस फाइनली यार स्टॉक एग्जॉस्ट बहुत ही अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि एग्जॉस्ट चेंज करने की नीड होगी क्योंकि स्टॉक एग्जॉस्ट में काफ़ी बेस आप देख सकते हो। सो गाइस फाइनली इसका कर्व वेट है अराउंड 168 kg। इसका एक शोरूम प्राइस प्रयागराज में है 2,25,000 रुपीज़ एंड ऑन रोड ये आपको पड़ेगी 2,77,000 रुपीज़ के आसपास हर चीज़ें कंप्लीट करके। सो गाइस ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।